नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं जिम न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हथगांव पुलिस थाने क्षेत्र में 12 तारीख को एक किसान की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। इस हत्या का खुलासा करते हुए घटना में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिले के हथगांव थाना क्षेत्र के मीरापुर गाँव के बाहर जंगल में एक 62 वर्षीय वृद्ध गणेश प्रसाद की निर्मम हत्या कर लाश फेंक दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना की जांच में जुट गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक वृद्ध की हत्या पैसे के लेन देन के कारण हुई है और हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके खेत का बटाईदार प्यारे लाल, उसका बेटा धर्मेंद्र और दामाद कमलेश निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि 12 तारीख को एक वृद्ध गणेश प्रसाद मोदनवाल 62 वर्ष की लाश गाँव किनारे जंगल में मिली थी, जिसका आज खुलासा करते हुए मृतक के बटाईदार, उसके बेटे और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक और बटाईदार प्यारे लाल के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण वृद्ध की हत्या की गई थी। फिलहाल तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार का। ये थाना हथगांव जनपद फतेहपुर में 12 तारीख की रात में गणेश प्रसाद साहू की गाड़ी से मार करके हत्या कर दी गई थी। आज थाना गांव की पुलिस ने इसका सफलतापूर्वक अनावरण किया है और इसमें शामिल तीन लोगों की गिरफ्तारी की है और आला कत्ल की बरामदगी की है और इनके सराहनीय कार्य को डिस्कस करते हुए 10,000 रुपये का पुरस्कार दान किए जाने की घोषणा की जाती है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। घटना की वजह तो बटाईदारी का, उनके खेती करते थे और कुछ आपसी रंजिश का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी घटना में पुष्ट हो पाएगी और अभी तक जो प्रकाश में आया है कि ये कुछ लेन देन का ही मामला दोनों। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे चिम न्यूज़ के साथ।